अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन ड्रामा सीरियल दाओ का बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्रोमो शेयर कर देगा। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया लाजमी से करते जाना। चल जल्द से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दाओ ड्रामे के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखने वाले होंगे नाजरीन। अब यहाँ पर थोड़ा सा होश आया होता है साध को, रिस्की माँ इसके पास खड़ी होती है और साध यहाँ पर बड़बड़ा रहा होता है और कह रहा होता है मैं आलियान को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं उसके पास अभी कभी जाऊँगा और यहाँ पर जितनी भी छेंक छेंक गोली उसके सीने में दाग कर आऊँगा। और नाजरीन यहाँ पर इसकी माँ काफ़ी ज़्यादा जो रो रही होती है और कह रही होती है कि नहीं बेटा तुम इस हालत में नहीं हो, यहाँ पर छोड़ो, तुम बिल्कुल भी ऐसा मत सोचो। लेकिन नजरिन ये कह रहा होता है कि नहीं, उसने देखो मेरी क्या हालत कर दी, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। मोम और नजरिन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहा होता है और नजरिन इसकी माँ जोर कतार रो रही होती है कि यहाँ पर मेरा बेटा जो है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और यहाँ पर इससे अलियान से बिल्कुल भी जो है पंगा मत ले। और यहाँ पर पहले भी ये रोकती रही है लेकिन यहाँ पर यह खुद ब खुद ही यहाँ पर इसने ये गलतियाँ की जिसकी वजह से इसने मार खाई और हॉस्पिटल पहुँच गया। लेकिन यहाँ पर अब ये थोड़ा सा रिकवर भी होगा और इसके साथ साथ आप लोग दूसरी अब देखने वाले हो कि असफन यहां पर जब पहुंच जाएगा अपने गुंडों के पास और नजरिन यहां पर एहसन का बाप कहेगा कि यहां पर मैं जो है उन लोगों को मरवाना चाहता हूं, ये वो केस तभी वापस होगा। जिसके बाद नजरिन वो गुंडा बताता है कि यहां पर आप जो है अगर वो उन लोगों को मरवाएंगे आपके मुखालिफ पार्टी के बंदे को तो यहां पर आप जो है वो केस तो ऐसे ही आप हार जाएंगे क्योंकि ये केस इतना छोटा मोटा नहीं रह गया, तो यहां पर इसी वजह से ये बिल्कुल हमाकत मत करें। और जिसकी वजह से यहां पर ये बात समझ जाएगा और नजरिन शायद यहां पर गुंडा कुछ अच्छा आइडिया दे दे, इसकी वजह से एहसन का बाप यहाँ पर इसे जो है वो थापड़ी देगा और यहाँ पर अप्रिशिएट करेगा। और इधर आप लोग दूसरी जनब ये भी देखने वाले हो कि यहाँ पर गाड़ी से जा रहा होगा आसिम, जिसके बाद नजरिन शायद इसकी कोई चीज़ गिर जाएगी या फिर नजरिन यहाँ पर ये वैसे ही थोड़ा सा नीचे को झुकेगा और इधर से नजरिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वसवसे से आ रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही होगी नेहा को और वो अपनी यहाँ पर सास को बता रही होगी कि अम्मी मुझे जो है पता नहीं ऐसा क्यों रहा है कि आसिम के साथ जो है वो कुछ होने वाला है, बहुत ज़्यादा मुझे जो है वो गंदा लग रहा है। जिसके बाद नजरिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इसकी जो है सास इस पर चढ़ाई करती है, इसे कहती है कि यहाँ पर तुम्हारे मुंह में खाक ऐसा तुम क्यों सोच रही हो। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है और इधर बाद में पता चलता है कि इसका एक्सीडेंट हो चुका है आसिम को। और जिसके बाद यहाँ पर ये वहाँ से डिस्चार्ज होकर जैसे ही घर आएगा तो नजरिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सवाल जो अब शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर बहनें तो इसकी इसके साथ बैठी होंगी आसिम के, लेकिन नजरिन यहाँ पर अनमाज कह रही होगी यहाँ पर ये तुम्हारा एक्सीडेंट खुद ब खुद हुआ है या किसी ने करवाया है। जिसके बाद यहाँ पर ये जो है ये भी पूछेगी कि कहीं ये ऐसे इनके बाप का काम तो नहीं है। जिसके बाद यहाँ पर आगे से आसिम कहेगा हो भी सकता है, लेकिन वो सामने बिल्कुल भी नहीं आया। जिसके बाद नजरिन यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा टेंशन लेती है, रो रही होती है कि यहाँ पर इसका मतलब है कि वो दिखाना चाहते हैं हम कुछ भी कर सकते हैं। जिसके बाद नजरिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दर्द भी हो रही होगी। आसिम को अलमाज कहेगी कि यहाँ पर ये जो है वो केस हम वापस ले लेते हैं। जिसके बाद यहाँ पर आगे से जो है वो कहेगा आसिम के यहाँ पर क्या मैं आपकी तरह जो है वो हज़ार गज़ का प्लॉट अपने नाम लगवा लूँ। जिसके बाद नजरिन यहाँ पर इसकी माँ कहती है आसिम तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। और इधर नजरिन यहाँ पर जो है वो अंबर कहती है कि भैया हम जो है ये केस वापस ले लेते हैं, लेकिन नजरिन आसिम यहाँ पर इससे पीछे नहीं हटेगा। और इधर आप लोग दूसरे जनब ये भी देखने वाले हो जेदी को इसकी गर्लफ्रेंड सब कुछ बता देगी साथ के बारे में, जिसकी वजह से नजरिन यहाँ पर जेदी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ होगा, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर परेशान होगा कि ये काफ़ी ज़्यादा साइको आदमी है और यहाँ पर तुम जो है जल्दी से छोड़ दो। इसके साथ साथ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है इसकी गर्लफ्रेंड और कह रही होती है कि नहीं जेदी यहाँ पर ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कर सकती, मेरे पास कोई भी टाइम नहीं है, मैं और मुर्गा नहीं फंसा सकती। यहाँ पर ये जो जुनूनी है यहाँ पर ये भी ठीक है, यहाँ पर ये अच्छा है, लेकिन नजरिन यहाँ पर यानी ये अभी से बिल्कुल भी साध को नहीं छोड़ना चाहती और ये साध के पास ही रहेगी। जिसकी वजह से साध थोड़ा सा रिकवर होगा तो ये बहुत ज़्यादा गुस्से में होगा और कह रहा होगा कि यहाँ पर मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, यान को अभी के अभी जाके मैं उसे मारूंगा। जिसके बाद यहाँ पर इसकी गर्लफ्रेंड कहेगी कि यहाँ पर दफ़ा करो, लेकिन ये कहेगा कि दुश्मन को मैं ऐसे ही छोड़ दूँ। और नजरिन काफ़ी ज़्यादा पंप तो ले रहा होगा लेकिन यहाँ पर अभी इस हालत में नहीं है कि जाकर उससे लड़े। और इधर नजरिन अलमास जो है दोबारा से एहसन के घर में जाएगी और नजरिन इसके बाप से मीटिंग करेगी कि हम ये केस वापस से लेना चाह रहे हैं। इस तरह की जो है वो काफ़ी सारी बातें होंगी कि मेरे बेटे को कुछ मत करना। और नजरिन आप लोगों को लगता है कि यहाँ पर आसिम के बाप का इस एक्सीडेंट में कोई हाथ था या फिर नजरिन यहाँ पर एक कन्फ्यूजन हुई है और नजरिन ये लोग केस वापस लेना चाह रहे हैं, तो नजरिन आप लोगों को लगता है आसिम केस वापस लेगा? लाजमी से बता जाना। वीडियो शेयर करते जाना।